कोरोना वायरस के चलते जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाने संबंधी तहसीलदार फतेहगढ़ साहिब गुरिंदर सिंह ने मंदिरों के प्रबंधकों के साथ बैठक की। इस मौके पर जानकारी देते हुए तहसीलदार फतेहगढ़ साहिब गुरिंदर सिंह ने बताया कि मीटिंग में फैसला लिया गया कि कोविड-19 महामारी को मुख्य रखते हुए लोगों को अपने घरों में ही प्रार्थना करनी चाहिए। इस मौके पर उपस्थित मंदिरों के प्रबंधकों ने भी तहसीलदार को आश्वासन दिया। गुरिंदर सिंह तहसीलदार फतेहगढ़ साहब, जिवें कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की अष्ट जन्माष्टमी जी का त्यौहार सरहिंद शहर के अज 11 अगस्त 2020 मनाया जा रहा है। इसकी जी है जनतक छुट्टी कल 12 अगस्त की हैगी है। अज मैं इतने सरहिंद शहर के जोड़े बस जिन्हें भी अपने धार्मिक स्थान मंदिर ने उन्होंने संस्था वालों उन्होंने नाल मीटिंग की गई है। तो करोना महामारी 2020 मुख रखते हुए मैं सारे अपील भी की हैगी है कि जिथे तक भी हो सकता है सारिया संगत अपने घर के बैठ के पूजा पाठ कर, जिथे तक प्रबंधकों का सवाल हैगा उन्होंने वालों भी सानू आश्वासन मिलिया है कि उन्होंने वालों जोड़े मंदिरों के समुचे प्रबंध जिमें कि सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंस का, मास्क का जोड़ा है वह भी यकीनी बनाया जाएगा। तो जिथे तक पॉसीबल हो सकता है कि जो संगत का घट रश जोड़ा है घट तो घट रखा जाएगा। तो जिन्हिया भी हदायत सरकार वालों समय समय से जारी की गई ने उन्होंने पालना की जाएगी। इस गल के लिए मैं समूह प्रबंधकों का भी धन्यवादी हाँ। तो समूह इलाके निवासियों को मुड़ के फिर एक बार हाथ बन के बेनती करता हाँ कि करोना महामारी को मुख रखते हुए असी जोड़ा है इस पावन त्यौहार से जिन्ना घट रश हो सकता घट तो घट करिए ताकि करोना महामारी तो सारे बचाया जा सके। धन्यवाद। अज तहसीलदार साहब वालों म्यूनसिपल कमेटी के सारी धार्मिक संस्थावां दे जिहड़े मुख सेवादार है उन्हां दी मीटिंग बुलाई है। उहदे विच सारिआं नूं इन्हां ने कहा भी अपना जिहड़ी महामारी कोविड-19 है इहदों तों सारा पता ही है, देश क्या वर्ल्ड सारा दुखी है। तो इन्हां ने फैसला किया सारिआं संस्थावां नूं कहा भी तुसीं घट तों घट उत्थे गैदरिंग करो, घट तों घट इकट्ठ करो। तो सारे मुख सेवादार जिन्हें भी अपने धार्मिक संस्थान दे आए हैं इन्हां ने सब ने सहमति दिती है कि असीं घट तो घट कोशिश करांगे। सारे जिंदियां पहले झांकियां वगैरह होंदियां सी, लंगर वगैरह करदे सी या साडे कीर्तन हुंदे सी, उह सारे असीं ऐतकी मंदरां च उह बंद करते। सिर्फ मंदरां च दर्शन करके बंदे जिहड़े हन निकल जाणगे, रात नूं 12 बजे सिर्फ आरती होगी, आरती तों बाद भोग पा के सारा होगा। बाकी असीं तहसीलदार साहब दा ते सारी एडमिनिस्ट्रेशन दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं कि इन्हां ने साडी सारीआं संस्थावां दे जिहड़े मुख सेवादार उहनां नूं बुला के सानूं प्रेरणा दित्ती। ते साडा सारिआं दा फर्ज़ बनदा कि असीं एडमिनिस्ट्रेशन दा साथ दिंदे होए पूरी तो तरीके इन्हों की नियमों की पालना। नमस्कार जी, सब तो पहला तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी दिया सारे समूह इलाका निवासियों मुबारकबाद दिना। अज साडे तहसीलदार साहब ने नगर कौंसल सरहिंद दे विच मीटिंग रखी सी जिस विच समूह इलाका निवासी दे मंदिर कमेटी के मैंबर पहुँचे सी, जिस विच सरकार दीआं जो गाइडलाइन सी कि जन्माष्टमी का त्यौहार जरूर मनाया जाना चाहिए पर सरकार दीआं हदायतां दे मुताबक मनाया जाना चाहिए। असी उन्हां दीआं जो आदेश सी उन्हां दी इन बिन पालना करांगे। सारे मंदिर कमेटी वाले ने उन्हां नूं पूरा आश्वासन दिता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के ते सैनिटाइजर की वरतों करते हुए मास्क वीयर करके जिन्हें भी श्रद्धालु आणगे वो आके मत्था टेक सकते हैं। इस तो इलावा जो झाकियां दा प्रोग्राम हुंदे सी पहला या जो लंगर या प्रथा सीगी वो सारियां ते असी रोक लगाई हुई है।